यूपी के रामपुर जिले से दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जी हां, थाना खजूरिया क्षेत्र से तीन बच्चों को बहला फुसला कर बच्चों का मोसा उन्हें ले गया और उन्हें उनके साथ दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। एक बच्चे का तो गला रेत गया और चाकू से पेट पर वार किया गया है, जबकि दोनों लड़कियों को भी अलग अलग थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया गया है। जी हां, COCT के मुताबिक थाना खजूरिया में अजय नामक व्यक्ति बच्चों का मोसा उन्हें मेला दिखाने के बहाने ले गया था, पर वापस घर नहीं लौटा, जिस पर 6 वर्ष की लड़की थाना शहजाद नगर क्षेत्र से मिली है और दूसरी लड़की 8 वर्ष टांडा क्षेत्र से मिली है और तीसरा लड़का 9 वर्ष खून में लथपथ गंभीर हालत में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मिला है, जिसके शरीर पर कई घाव भी हैं। इन सभी का मेडिकल करवाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि तीनों बच्चों के साथ क्या अनहोनी हुई है और आखिर तीनों कैसे अलग अलग थाना क्षेत्र में मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के साथ कोई बड़ी अनहोनी होने वाली थी। बहरहाल तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां जांच परीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? कुंवर पाल भाई, ये बच्चा जो जख्मी हुआ है, क्या है पूरा मामला बताओ, क्या बात है? अच्छा, तो कौन लेकर गया था बताओ? मैं तो घर आ गया, मेरा कानून लेकर आया होगा। अच्छा, मैं तो घर आ गया, मुझे क्या? अच्छा, तो बच्ची कहाँ है आपकी? बच्ची है ही नहीं, मिली नहीं रही। कितनी बड़ी है? दो बच्चे मिल गए, ये बच्ची कहाँ है? 6 साल की है। 6 साल? 6 साल। अच्छा, क्या नाम है सांडू का? अजय। कहाँ रहते हैं वो? जतपुरा। अच्छा, बच्चा कहाँ रहता है? ये बच्चा जो लड़की हमारी, हाँ, ये बच्चा जो है ये कहाँ रहता है? नरसुआ। अरे एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट जी, अरे एक मिनट जी, सीओ साहब, ये तीन मासूम बच्चे मिले हैं अलग अलग थाना क्षेत्रों में, किन किन थाना क्षेत्रों मिले हैं, क्या है पूरा मामला? ये खजूरिया गांव में खजूरिया थाना पड़ता है, वहाँ से अजय अपने ये मौसा है लड़कियों का, बच्चों का, एक का मौसा है, एक का मामा लगता है, ये लेकर तीनों बच्चों को मेला दिखाने के लिए लाया था, मोटरसाइकिल करके लाया था। तो एक बच्ची 7 साल की सरदार नगर क्षेत्र में मिली है थाना क्षेत्र में, एक बच्ची हमारे टाणा क्षेत्र में मिली है और एक बच्चा जो है सिविल लाइन थाने में मिला है। सिविल लाइन थाने में जो बच्चा मिला उसे कुछ घाव भी लगे हुए हैं पेट पर, कुछ इंसान है चाकू, मेडिकल परीक्षण उसका हो रहा है, मेडिकल परीक्षण में पता चलेगा क्या हुआ। और एक बच्ची हमारे टाणा क्षेत्र में मिली हुई है, उसका ही परीक्षण किया जा रहा है। ये तीनों दो बच्चियाँ हैं और एक लड़का है, इन तीनों का जो है मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण में जो भी सत्य प्रकाश में आएंगे उसी हिसाब से विवेचना की जाएगी और सब कुछ सबका रहेगा। जब प्रथम दृष्टि जो बच्ची से बात हुई है तो क्या निकल गया? मतलब बच्ची ये कह रही मुझे मेला दिखाने के बहाने ले गया था और ईख के खेत में ले गया था, मैंने आवाज़ चिल्लाया हूँ, चिल्लाई में तो ये छोड़ के भाग गया है। क्योंकि तीनों बच्चे थे, अलग अलग जगहों पर मिले हैं तीनों थानों क्षेत्र में। अब इसमें एक विवेचना का विषय बन गया, तो इन्हें की पुरानी आपस में टकराव तो नहीं है, क्योंकि मौसा है, एक लड़की के मौसे हैं, मौसा है लगते हैं और एक के मामा लगते हैं। तो क्या इसमें कोई रेप की भी इनके साथ मसले नहीं? अभी ये तो मेडिकल परीक्षण की बात है, रेप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेडिकल परीक्षण होगा, छोटे बच्चे हैं, बच्चे हैं। आगे अब जांच चल रही है? हाँ, जांच चल रही है, FIR दर्ज, मुकदमा का दर्ज करा रहे हैं, उसी हिसाब से कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।